अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की ताजा अपडेट्स क्या है। सबसे पहले दोस्तों आज बात करेंगे आप लोग की, आज 29 मई हो चुकी है, तो आज 29 मई को आप लोगों की कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, तो सभी बच्चों को पता ही हो चुका होगा। और सबसे पहले दोस्तों आज सबकी नजर होगी योगी सरकार पर। जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली आज सबकी नजर योगी सरकार पर होने वाली है और सभी बच्चों को कोर्ट से ज्यादा सरकार से उम्मीदें हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे 60 और 65 के समर्थक, उन्हें कोर्ट से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ सरकार से उम्मीद बची है, क्योंकि कोर्ट में पता है दोस्तों ये प्रोसेस काफी लंबे समय तक चलेगा और कोर्ट का आप लोगों को तो पता ही है ना, जो काम होता है स्लोली स्लोली होता है, तो लंबे समय तक खींचेगा। तो इसलिए अधिकतर बच्चों को या अधिकांश सभी बच्चों को कहा जाए दोस्तों एक तरीके से, तो सभी बच्चों को सिर्फ कोर्ट से ज्यादा आपकी सरकार से उम्मीदें क्यों ना हो दोस्तों, जबकि बच्चों ने किया अपना काम, अब सरकार की है बारी। जी हाँ दोस्तों, बच्चों ने इतना बड़ा मैंडेट दिलाया यूपी में योगी सरकार को, वन साइडेड वोट देकर दोस्तों इतनी अच्छी तरीके से जीत दिलाई है। तो दोस्तों जो इस बार यूपी में बीजेपी सरकार की जीत हुई है उसमें अधिकतर इन बच्चों का हाथ बहुत बड़ा रहा है, क्योंकि योग्यता का फार्मूला दोस्तों इस बार यूपी में काम कर गया। तो अभी तक दोस्तों ऐसा नहीं होता आया था, लेकिन इस बार योग्यता का फार्मूला काम किया है। तो दोस्तों अब योग्यता का फार्मूला ही दिलाएगा जीत 60-65 को। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि सरकार पहले दिन से ही बात कर रही है कि योग्यता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा, तो दोस्तों अब बात आती है योग्यता से समझौता ना करने का मतलब सीधे सीधे 60 और 65 को जीत देना। तो चुनाव का रंग दिख सकता है शिक्षक भर्ती पर। जी हाँ दोस्तों, जैसे इतनी बड़ी जीत हुई है तो उसका रंग दिखना स्वाभाविक है शिक्षक भर्ती पर, और आज नहीं तो कल दोस्तों थोड़ा दिन या थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन चुनाव का रंग दिखेगा जरूर, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से सरकार को जीत दिलाई गई है बच्चों के द्वारा, तो दोस्तों डेफिनेटली कुछ ना कुछ सरकार इस पर एक्शन प्लान जरूर बना रही होगी, और बहुत ही जल्द हो सकता है कोई ना कोई तरीके से 60 और 65 पर शिक्षक भर्ती को संपन्न करा दिया जाए। तो 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शासन को भेजेंगे सचिव, ठीक है, ये छोटी सी खबर है 68,500 के लिए कि शासन को भेजेंगे सफल अभ्यर्थियों की सूची। तो क्या है दोस्तों, प्रयागराज ब्यूरो, ठीक है, 68,500 शिक्षक भर्ती में कोर्ट के आदेश के बाद भी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो सका है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रतिदिन कोर्ट का आदेश को लेकर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का चक्कर लगाने को विवश हैं। तो दोस्तों आप लोग सोचिए कितनी दिक्कत है, आपने यूपी में कोई भी नौकरी होती कितना समय लगता है। मंगलवार को भी बड़ी संख्या में सचिव परीक्षा नियामक कार्यालय पहुंचकर अपनी बात सचिव अनिल भूषण से बताई। अभ्यर्थियों का कहना है कि सचिव ने एक बार फिर से आश्वासन दिया है कि 31 मई के बाद सफल अभ्यर्थियों की सूची शासन के पास अनुमति के लिए भेज देंगे। परीक्षा नियामक की ओर से जारी 68,500 शिक्षक भर्ती के परिणाम में गड़बड़ी के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने कोर्ट से गुहार लगाई। दोबारा मूल्यांकन में भी जब परीक्षार्थियों को उनकी ओर से किए गए प्रश्नों के अनुरूप अंक नहीं मिला तो अभ्यर्थियों ने कोर्ट से गुहार लगाई थी। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि 68,500, देखिए एक चीज और बात हो रही थी कि 68,000 की जो सीटें रिक्त रह गई हैं, ठीक है दोस्तों, जो आप लोगों को पता है कि 68,500 में कुछ सीटें भी रिक्त रह चुकी है, रही है, तो क्या ये सीटें फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती में भरी जा सकती हैं? देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी आई थी आपकी 68,500 जिसमें पहले 41,000 समथिंग लड़के, 41,000 से ज्यादा लड़के चयनित हो गए थे, नियुक्ति मिल गई थी, ठीक है, उसके बाद लगभग 4,600 बच्चे को नियुक्ति थोड़ी दिनों बाद मिली है, मतलब दोबारा जब रीचेकिंग हुई तब इतने बच्चे और पास हो गए। तो मतलब 4,600 सीट का फायदा तो 69,000 शिक्षक भर्ती में हो चुका है फिलहाल, लेकिन जो सीट अभी रिक्त रह रही है उनका क्या होगा, क्या उनको 69,000 में मैनेज किया जा सकता है? दोस्तों देखिए, इसमें 68,500 के बच्चे अपनी खुद से जंग लड़ रहे हैं या जो भी कहे दोस्तों, क्योंकि वो खुद ही चाहते हैं कि कटाव कम हो जाए और उन्हें नौकरी मिल जाए। लेकिन अगर दोस्तों ये सीट 69,000 में इंक्लूड कर दी जाती है तो सोने पर सुहागा हो जाएगा 69,000 बच्चों के लिए, मतलब जितने बच्चे थे जो बच्चे छूट जाते इस बार, क्योंकि आने वाले टाइम में कंपटीशन बहुत टफ होगा। ये तो आप लोग को पता है कि आने वाले टाइम में कंपटीशन टफ होने वाला है, उसका रीजन दोस्तों यही है ना कंपटीशन टफ होने का, क्योंकि बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है हर साल। तो इस बार ही लगभग 18 लाख बच्चों ने यूपी टेट का पेपर दिया था, अधिकतर बच्चे फेल हो जाते हैं आप लोग को पता है, तो लगभग 4,10,000 बच्चे सुपर टेट तक पहुंच पाए, ठीक है, 4,10,000 बच्चे पहुंच पाए, लेकिन अगली बार दोस्तों इनकी संख्या बढ़कर लगभग जो सुपर टेट का अगली बार बच्चों पेपर देंगे लड़के लोग, वो लगभग 10 लाख बच्चे होंगे दोस्तों, 1 मिलियन बच्चे, ठीक है। तो
तो दोस्तों इतनी बड़ी तादाद में अगली बार बच्चे कंपटीशन होने वाला है, तो क्यों ना इसी बार आप लोग की इसी लगे हाथ आप लोग की नौकरी लग जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या करती है सरकार, क्योंकि ये सब बड़ी चीजें हैं, इतना आसान नहीं होगा कि उस सीट जो बची उसको मर्ज करना है, क्योंकि दोस्तों वो शिक्षक भर्ती अलग थी और ये शिक्षक भर्ती अलग है। आपने इसकी विज्ञप्ति भी हमने आपको पढ़कर बताई थी, इसमें भी यही लिखा था कि जो इस बार आप पेपर देंगे सुपरटेट का वो सिर्फ और सिर्फ इसी परीक्षा के लिए मान्य होगा। जब दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ मतलब इसी परीक्षा के लिए मान्य है तो 69,000 या 68,500 की सीट को कैसे मर्ज किया जा सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ कानून बनाकर या थोड़े बहुत चेंजेस कर किया जा सकता है। दोस्तों देखिए करना सब कुछ आसान है, अब देखने वाली बात होगी कि सरकार करेगी या नहीं, तो देखते हैं। लेकिन दोस्तों आज योग्यता का फार्मूला, इस पर दोस्तों देखते हैं कि सरकार अपना पक्ष कैसे रखती है कोर्ट में डबल बेंच में, और डेफिनेटली दोस्तों सरकार इस पर जीत सकती है क्योंकि योग्यता का फार्मूला बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अब हर तरफ आजकल योग्यता की बात हो रही है, क्योंकि अब डिजिटल इंडिया हो रहा है दोस्तों, तो डिजिटलाइज में अब योग्यता को बढ़ावा ज्यादा मिल रहा है दोस्तों, तो योग्यता की बात करके जीत दिलाई जा सकती है। देखिए 40-45 इतना आसान नहीं होगा कि 40-45 समर्थक जो सिंगल बेंच में जीत चुके हैं वो इतनी जल्दी हार मान लेंगे, क्योंकि दोस्तों कहीं पर भी विज्ञप्ति में ना तो 40-45 का जिक्र था ना तो 60-65 का, लेकिन 40-45 कट ऑफ हो जाती है, तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है दोस्तों, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती को पिछली बार का पार्ट टू बता दिया जाता है तो वो और बड़ी बात हो जाती है। लेकिन दोस्तों आप लोग को पता होगा ना तो आज तक कभी विज्ञप्ति बदली है ना बदलेगी, तो सीधे कट ऑफ अगर हम मान लेते कि विज्ञप्ति को बदला नहीं जाता तो कट ऑफ को आपको शून्य करना पड़ेगा, ठीक है, जो पासिंग मार्क उसको शून्य करना पड़ेगा जीरो। अगर दोस्तों कट ऑफ जीरो हो जाती है तो शिक्षक भर्ती फिलहाल जीरो कट ऑफ पर नहीं संभव है, तो इसको रद्द करा के दोबारा पेपर हो जाएगा, तो दोबारा पेपर में दोस्तों सभी को ना तो फायदा है ना तो किसी को नुकसान, काफी बड़े चेंजेस आ जाएंगे दोस्तों। हो सकता है जो बच्चा इस बार 120 नंबर पाया है अगली बार वो 100 नंबर पर ही आके रुक जाए, तो दोस्तों कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि इस शिक्षक भर्ती को दोबारा किया जाए। हाँ वो लोग डेफिनेटली चाहेंगे जिनके बच्चों को नंबर कम है, तो वो तो जरूर चाहते थे, पहले भी आप लोग को पता हुआ है कितना धरना हो चुका है कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ था पेपर को रद्द कराना चाहिए ये सब वो सब, लेकिन जैसे ही ये कट ऑफ आपकी 40-45 हो जाती है दोस्तों अब कोई बात नहीं होती कि परीक्षा में कोई धांधली हुई है या परीक्षा में कोई पेपर लीक हुआ है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या चल रहा है आज तक शिक्षक भर्ती में। तो दोस्तों अब देखने वाली बात होगी कि आज जो मामला सुना जाएगा उससे या सभी से कोर्ट से, या दोस्तों देखिए हम आपको बता दें कोर्ट में आज भी आपको एक नई डेट मिलेगी, उसमें कोई आपको बड़ा चीज नहीं दिख जाएगा, तो आप लोग एक कोर्ट में एक नई डेट का ही इंतजार करेंगे। लेकिन उम्मीदें सरकार से करिए दोस्तों जो शिक्षक भर्ती में कुछ कर सकती है और जल्दी कर सकती है। दोस्तों देखिए जल्दी का मतलब होता है कुछ नए कानून बनाए जा सकते हैं, लेकिन विज्ञप्ति के बाद दोस्तों कुछ चेंजेस तो होता नहीं है, तो दोस्तों देखते हैं सरकार इस बार क्या कर सकती है आप लोगों के लिए। तो उम्मीदें बहुत रहेंगी सरकारों से आज, और सबकी नज़र दोस्तों इसलिए हमने कहा कि सबकी नज़र आज होगी योगी सरकार पर। जी हाँ दोस्तों अगर योगी सरकार कोई बड़ा ऐलान करती है तो अच्छी बात होगी सभी बच्चों के लिए और जितने बच्चों ने हमें मैसेजेस किया था, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज योगी सरकार कोई ऐलान जरूर करे या कुछ ना कुछ जरूर कहे, दो शब्द दोस्तों जरूर कहना चाहिए उन्हें 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी और दोस्तों अधिकांश बच्चों को नौकरी मिलने वाली है, और अपकमिंग 5 लाख वैकेंसी दोस्तों आ रही है, तो उस वैकेंसी का भी हमें इंतजार है दोस्तों, जल्द जल्द वो वैकेंसी आए, जितने बच्चे बाकी के रह जाएंगे लगभग 3,41,000 से अधिक बच्चे उनको भी नौकरी का मौका मिल सके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज कुछ बड़ा होगा, और आप लोग इतना समझ लीजिए कोर्ट से आपको आपके लिए एक नई डेट मिलेगी और सरकार से कुछ ना कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है, और फिर और भी अपडेट के साथ हम लोग अगली वीडियो में मिल रहे हैं थोड़ी देर बाद, जैसे कोर्ट का कुछ भी आपका डिसीजन आने वाला है थोड़ी देरों बाद, मतलब जैसे सुनवाई हो जाएगी दोस्तों जो भी डिसीजन जो भी कुछ आएगा वो हम आपको बताते हैं कि जज साहब ने आज क्या फैसला सुनाया। दोस्तों तो एक छोटी सी बात और कर लेते हैं इसी वीडियो में, तो आप लोग को जाते जाते आपका सेफ जोन बता देते हैं कि मतलब अगर आप लोग को नौकरी मिलेगी तो कितने नंबर पर मिलेगी वो भी जानना जरूरी है, तो आप लोग का इस छोटा सा सेफ जोन आप लोग समझ लीजिए दोस्तों। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं आज की डेट में 40-45 पर दोस्तों बात हो जाती है छोटी सी, और 60-65 पर मान लेते कट ऑफ चेंज हो जाती है तो क्या होगा, तो जनरल से जो बच्चा आज की डेट में नौकरी पाना चाहता है उसे कम से कम 74 से अधिक गुणांक चाहिए होगा, ओबीसी में दोस्तों कम से कम 65 से अधिक गुणांक चाहिए होगा, एससी कैटेगरी में दोस्तों कम से कम 60 से अधिक गुणांक चाहिए होगा, और आपकी एसटी कैटेगरी में उसे बच्चे को 55 से अधिक गुणांक चाहिए होगा। अगर दोस्तों इसी शिक्षक भर्ती में अगर हम लोग 60-65 कट ऑफ पर अगर शिक्षक भर्ती संपन्न होती है तो क्या आपके लिए कट ऑफ का मैटर आएगा उसको देखते हैं। फिर दोस्तों जनरल कैटेगरी में आपको 65 से अधिक नंबर चाहिए होंगे गुणांक, देखिए 74 से सीधे हम लोग 65 पर आ गए, इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ओबीसी में
कम से कम इसमें भी 65 से अधिक ही चाहिए होगा दोस्तों, ओबीसी में कोई चेंजेस नहीं दिखेगा आपको। एससी कैटेगरी में 60 प्लस चाहिए होगा और आपका एसटी कैटेगरी में 55 से अधिक, या आप इसको बोल सकते हैं सिर्फ पास हो जाएंगे नौकरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। और देखिए एसटी कैटेगरी में ये है और एससी कैटेगरी दोस्तों, जहां पर आप 55 तक भी आप लोग नौकरी मिल सकती है, ओबीसी में 60 तक भी मिल सकती है, लेकिन जो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे 65 से अधिक। तो ये सब रहेंगे और चलिए आज की अपडेट्स जो भी आती तुरंत हम आपको अपडेट देते हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड हैव अ